बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, ओके? शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। पापा सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे एनिमल के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों रणवीर कपूर की एनिमल ने बॉक्स ऑफिस में पहले दिन कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, उसके बावजूद फिल्म के कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग आ रहे हैं। इस फिल्म को इंडिया में लगभग 4,800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, तो ओवरसीज में लगभग 2,000 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। इस फिल्म को दुनिया में लगभग 6,800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया है। दोस्तों अगर बात करें कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन हिंदी वर्जन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 54,75,00,000 का नेट कलेक्शन किया, तो ऑल इंडिया में लगभग 63,80,00,000 का कलेक्शन किया है। ये फिल्म ए सर्टिफिकेट की सबसे बड़ी ओपनर भी साबित हुई है, साथ ही रणवीर कपूर के कैरियर की भी हाईएस्ट ओपनर बनी है। ये फिल्म सैम बहादुर के साथ क्लैश हुई है, वरना फिल्म के कलेक्शन और भी जबरदस्त आते। एनिमल, जवान और पठान के बाद हिंदी की तीसरी सबसे बड़ी ओपनर भी बन चुकी है। इस फिल्म के कलेक्शन हिंदी के साथ साथ साउथ से भी अच्छे खासे आ रहे हैं। बात करें दूसरे दिन के कलेक्शन की, दूसरे दिन फिल्म के हिंदी वर्जन में थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है। इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन हिंदी वर्जन में लगभग 58,00,000 का नेट कलेक्शन किया, और इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों को टोटल हिंदी नेट कलेक्शन 112,75,00,000 हो चुका है। वहीं इस फिल्म के साउथ वर्जन के कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट दिखी है। इस फिल्म ने दूसरे दिन में ऑल इंडिया में लगभग 62,00,000 का नेट कलेक्शन किया है, और इसी के साथ इस फिल्म के दो दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 125,80,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 150,30,00,000 हो चुका है। दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज में भी काफी अच्छा कलेक्शन किया है। इस फिल्म के दो दिनों को टोटल ओवरसीज कलेक्शन लगभग 65,00,000 हो चुका है। बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो इस फिल्म के दो दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 215,30,00,000 हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 140,00,000 है, और इस फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में ही अपना बजट भी रिकवर कर लिया और ये फिल्म प्रॉफिट में आ गई है। बात करें तीसरे दिन के कलेक्शन की, तो आज इस फिल्म के कलेक्शन में और भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। ये फिल्म अपने तीसरे दिन में इंडिया में लगभग 65 से 70 करोड़ की रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है। पोस्ट पैंडेमिक के बाद रणवीर कपूर की बस एक शमशेरा बॉक्स ऑफिस में डिसास्टर रही थी, बाकी उनकी दो फिल्में ब्रह्मास्त्र और तू झूठी में मक्कर बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट रही थी, और अब उनकी फिल्म एनिमल भी सुपरहिट होने वाली है। अगर मंडे टेस्ट पास कर जाती है तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी, आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।